भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है। जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे उन कामों को दोबारा चाहती है। आज किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, हर वर्ग के लोग दुखी हैं सरकार से। जिनके पास अपना काम बताने को नहीं है, अभी तक ये सरकार नाम बदल रही थी, रंग बदल रही थी, समाजवादियों के काम उन पर अपना नाम लगा रही थी, अब तो दूसरे प्रदेशों के और दुनिया के दूसरे हिस्से से भी फोटो चुरा करके अपना काम बताने में सरकार आगे बढ़ रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं सोशल मीडिया के तमाम नौजवानों को जिन्होंने कम से कम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को दिखा दिया कि विकास क्या होता है। दुनिया में जो विकास हुआ है उनकी तस्वीरें लगा करके दिखा दिया मुख्यमंत्री जी को कि आखिरकार विकास क्या है। एक भी काम इस सरकार का वो नहीं है जिसका स्वयं शिलान्यास किया हो, उसका उद्घाटन करने जा रहे हो। इस सरकार के मुख्यमंत्री जी और सरकार वो काम नहीं बता सकती जिसका वो शिलान्यास किया हो और उसी का उद्घाटन कर रहे हो। इन्हें अगर अपने पार्टी के नेताओं को भी सम्मान अगर देना पड़ रहा है उसके लिए भी काम नहीं किया सरकार ने। अपनी पार्टी के नेताओं को भी सम्मान देने के लिए इनके पास काम नहीं है और अगर कोई काम चुरा रहा है तो समाजवादियों का काम चुरा करके अपने नेताओं के नाम लिखते हैं। इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता कई बार रहे प्रधानमंत्री देश के। मुझे याद है कि 25 दिसंबर 2019 को उनके नाम पर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास हुआ था, 25 दिसंबर 2019 में देश के प्रधानमंत्री जी को बुला करके शिलान्यास कराया गया था मेडिकल यूनिवर्सिटी का। जो जगह भी ली गई थी उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए वो वही जो समाजवादी सरकार में चक गजरिया सिटी डेवलप हो रही थी उसी जगह में मेडिकल की एक दूसरी जगह को कैंसिल कर करके अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का जगह छीनी गई थी। आज कितना समय गुजर गया है, आज कितना समय गुजर गया, सरकार आज भी उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बना पाई है। और मेडिकल यूनिवर्सिटी अगर कहीं चल रही है तो वो लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर, जो नेताजी ने मेडिकल कॉलेज बनाया था उसके 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही है। सोचिए, जो सरकार दूसरे का काम चोरी करती हो, अपने नेता का सम्मान न करती हो, उनके गांव में न जाने क्या क्या वादा किया गया कि काम होगा, आज भी पूरा नहीं हो पा रहा है। आदरणीय राम या सुमन जी उसी जिले के हैं, जितने वादे किए गए थे बटेश्वर में एक भी काम नहीं हुआ है बटेश्वर में। और हम भरोसा दिलाते हैं बटेश्वर के लोगों को, समाजवादी सरकार में मंदिरों का भी संरक्षण हुआ था, वहां पर घाट भी बने थे, साइकिल हाईवे भी बना था और विकास के कार्य भी हुए थे, मेला लगता था उसका भी सुंदरीकरण हुआ था, वहां पूरी की पूरी सीसे काम हुआ। भविष्य में समाजवादी सरकार बनेगी तो अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बनानी पड़ी या कॉलेज बनाना पड़े तो बटेश्वर में बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आज भी सरकार 4.5 साल के बाद नाम बदल रही है, रंग बदल रही है और अभी हाल में ही बाबा मुख्यमंत्री जी गए थे कुशीनगर, और कुशीनगर वही जगह है, कुछ वर्षों पहले भी वहां गए थे जब गरीब बच्चों को मिलना था, गरीब परिवारों को मिलना था, मजदूर किसान और गरीब परिवारों के बच्चों को, परिवारों को साबुन और शैंपू बंटवाए गए थे।
शैंपू और साबुन बंटवाने का कारण यही था कि गरीबों की किसानों की बदबू ना आ जाए सामने। 4 साल पहले कुशीनगर में गरीबों को किसानों से मिलने के लिए उन्हें साबुन शैंपू बंटवाया गया था और बदबू ना जाए इसलिए वो नहा करके आए। जनता सवाल पूछती उनसे, इसीलिए जानबूझ करके भाषा बदल रहे हैं। बगल के जिले में गोरखपुर के भी लोगों को याद है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन न रहने की वजह से बच्चों की जान गई थी। गोरखपुर के तो थे ही बच्चे, लेकिन कुशीनगर के भी बड़ी संख्या में बच्चे थे। इस सरकार ने ऑक्सीजन छीनी है और हमने आपने देखा है कोरोना के समय पर, कोविड के समय पर लोग भागते रहे, लोग इंतजाम करते रहे। इस सरकार ने न दवाई का इंतजाम किया, न बेड का इंतजाम किया, लोगों को अनाज छोड़ दिया और ऑक्सीजन का भी इंतजाम नहीं कर पाई, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। इस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, क्या कि आय दोगुनी हो जाएगी, किसानों की फसल की पैदावार की कीमत अच्छी मिलेगी, आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन न आय बता रहे हैं और महंगाई के कारण, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, सिलेंडर हो, उसकी महंगाई कितनी हो गई। दालें हैं, तेल है खाने का, सरसों का तेल कितना महंगा हो गया। और सरकार से जब पूछा गया कि सरसों का तेल आखिरकार महंगा क्यों हो गया, तो सरकार कहती है कि इसमें हमने मिलावट नहीं की है, इसलिए सरसों का तेल महंगा हो गया। इसलिए एक बार फिर मैं अपने समाजवादी साथियों को बधाई देता हूं और खासकर बिलाल सहारनपुरी शायर और लेखक हैं, इन्होंने बहुत शानदार गाना लिखा, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। केवल गाना लिखा रह जाए और अगर उसमें मेलोडी ना हो, म्यूजिक ना हो, तो वो अधूरा सा लगता है। इसलिए अल्तमस फरीदी, जिन्होंने गाना गा करके बिलाल सहारनपुरी की कविता के 4 को 4 चांद लगा दिया, और अवनीश कुमार जी को भी बधाई देता हूं, साथ ही में इस टीम को जोड़ने वाले आशु मलिक को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है, अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। और मैंने कई मौके पर कहा, फिर कहता हूं इस बार, ये जो मुख्यमंत्री आवास पीछे बना हुआ है, इसका भी नक्शा पास नहीं है। और बहुत सारी जगह पर लंबी सूची एलडीए पर भी होगी और सब जगह होगी। मैं अपने गरीबों को, जो अयोध्या फैजाबाद के गरीब हैं जिनका घर छीन लिया गया, रात में बुलडोजर चला दिया, तस्वीरें वीडियो सबने देखा है। सरकार मनमानी कर रही है, सरकार कानून को नहीं मान रही, जो मर्यादाएं होती हैं राजनीति में उसकी परवाह नहीं कर रही। हम इन गरीबों को भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी और आने वाले समय में आपके सहयोग से, आपकी मदद से, और गरीबों किसान नौजवान बनाने जा रहे हैं, आपका सम्मान भी वापस होगा और आपके घर जो तोड़े गए हैं वो वही के वही घर बना करके समाजवादी सरकार देने का काम करेगी। और जो अधिकारी चुपचाप ये कानून कागज पे घुमा रहे हैं, समाजवादियों ने सूची बनाई है, अधिकारी ये ना समझे कि बच जाएंगे। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो अधिकारी की भी जिम्मेदारी है। जो लोग 100 साल से रह रहे हो, 90 साल से रह रहे हो, उनका घर पे बुलडोजर चढ़ा दो, ये कहां का कानून है, कहां की आपने जानकारी हासिल कर ली। ये जो सरकार के सारे पर काम करने का तरीका है, 4-5 महीने बचे हैं, जो करना चाहो कर लो।
इसलिए मैं भरोसा दिलाता हूं इन गरीबों को, पूरा का पूरा गरीबों का सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आप कब मिलके आए थे? इसलिए कुछ जानते ही नहीं। अखिलेश जी, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी में कहा था एक सम्मेलन में कि आपकी सरकार में विजन नहीं था, गोरखपुर और आसपास में इंसेफ्लाइटिस से तमाम बच्चों की मौतें होती थी, अब वो जीरो हो गई हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा अपनी आई साइट चेक करा लें, विजन ठीक करा लें। तो मैंने सुना नहीं उनका भाषण, लेकिन अगर ये जो शब्द आपने कहे हैं, अगर ये शब्द प्रधानमंत्री जी ने कहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को होम डिपार्टमेंट का, और अगर होम डिपार्टमेंट का डेटा नहीं मंगा सकते तो कम से कम डायल 100 का डेटा मंगाना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपराध कौन बढ़ा रहा है, और कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये निर्देश दे करके जाएं कि टॉप 10 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन हैं, और कम से कम ये तो पता ही होगा, सबको पता है उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है कि लूट, डकैती, महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्याएं सबसे ज्यादा कहां है? नेशनल ह्यूमन राइट जो आयोग है, मानवाधिकार आयोग, सबसे ज्यादा नोटिसेस किसको मिले हैं? सबसे ज्यादा नोटिसेस किस सरकार को मिले हैं? मैंने कल भी कहा था, पिछले दिनों भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यूनिवर्सिटी बनाने तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी चलाती है। उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं होती, भारत की नागरिकता होती है। गाना दोबारा सुनाऊंगा आपको। मैं चाहूंगा कि जो गाना बिलाल सहनपुरी ने लिखा है, अल्तमस फरीदी ने गाया है, उसको दोबारा बड़े वॉल्यूम में, ज्यादा वॉल्यूम करके सुनाइए। सवाल अगर पूछना है बोलो, नहीं मेरा गाना चलेगा। देखिए, जो लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, आप किसी एक हो जाइए, सभी दल उत्तर प्रदेश में आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि बदलाव आएगा और समाजवादी सरकार दोबारा बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। बहन जी का पूरा सम्मान करते हैं, उनके किसी सवाल का जवाब नहीं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी किसान है ही नहीं उनमें, उस पार्टी में कोई, भारतीय जनता पार्टी में कोई किसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़े व्यापारियों की, उद्योगपतियों की पार्टी है, छोटे व्यापारियों की भी पार्टी नहीं है वो। और अगर छोटी व्यापारियों की पार्टी होती तो जीएसटी नोटबंदी से जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को डुबाया है, इन व्यापारियों का बर्बादी नहीं होती। कोविड में भी जो मदद होनी चाहिए थी छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदारों की और दैनिक व्यापार करने वालों की, किसी की मदद नहीं सरकार ने की। और
जानते तो आप भी हो, सच्चाई तो आप भी जानते हो। जो मुख्यमंत्री गरीबों को साबुन से नहलाता हो, जो मुख्यमंत्री गरीब बच्चों को, पिछड़े दलित लोगों को साबुन से नहलवा करके मिलते हों, वो क्या उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे? पार्टी तय करेगी बहुत जल्दी और कितने लोगों को सदस्यता दिलाएंगे। समाजवादी पार्टी की आने वाले समय में सरकार बनने जा रही है, आप भी शामिल हो जाओ। हाँ वही तो हम नहीं मानते हैं। हाँ ठीक बात है। हालांकि वो घटना जो बिजनौर की बहुत दुखद घटना है, एक प्लेयर के साथ ऐसी घटना हुई है और राष्ट्रीय स्तर की प्लेयर, और अभी तक कोई सरकार और अधिकारी जानकारी नहीं कर पाए। और बिजनौर से और बुलंदशहर की वो जो अलीगढ़ की क्या दूरी होगी? जो आरोप समाजवादी लोगों पे लगा रहे हैं, कम से कम एनसीआरबी का डाटा देखें कि क्या कहता है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।